तुम भी अजीब आदमी हो त्यागी, इतना सब हो जाने के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ते। परछाई से पीछा छुड़ा पाना न परछाई वाले के बस का बात होता है न खुद परछाई का। हाँ, अगर ये सूरज बुझ जाए या सभी दुनिया के बलब फ्यूज हो जाए तो और बात है। तुम्हारी इतनी बेइज्जती की मैं, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम होगे त्यागी, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कब का मुझे छोड़ के चला गया होता। मन तो हमरा भी किया था कि हम आपका छोड़कर चला जाए, पर अपना भैया को ऐसा हालत में छोड़कर हम नहीं जा सकते। और होगा तो फिर भी समझ में आता है त्यागी, लेकिन तुम क्या चीज हो आज तक समझ नहीं पाया। हमरा समझ में तो ये आता है भैया के हमरे और आपके बीच में कोनो अगले पिछले जन्म का हिसाब किताब है, जो ये जन्म में हम आपका सेवा कर रहा हूं। हम आपका सेवा करता रहूंगा, चाहे आप कोनो भी टाइप का हमरा बेइज्जती कर लीजिए। मत करो, अरे मत करो मुझसे इतना प्यार, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं। तुम्हारे क्या, मैं तो किसी के प्यार के भी लायक नहीं हूं। इसलिए देखो आज मेरा क्या हाल हुआ, अकेले इस बार में बैठकर शराब पी रहा हूं, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बनता। भाई मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, और फिर पिता मुझे छोड़ के चले। अब तुमसे भी कहता हूं तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ, खुश रहोगे। काय को आप बार बार ही धुन लगा जा रहे हैं कि तुम मुझका छोड़ के चले जाओ चले जाओ, जबकि ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम आपका छोड़कर नहीं जाऊंगा। भौजी भी आपका छोड़कर नहीं जाएंगे भैया। त्यागी तुम मुझे छोड़कर जाओ या ना जाओ, तुम्हारी भौजाई मुझे मुझे छोड़ के चली गई। छोड़ के तो आप गए भैया, हम सब हम लोग तो आपका ढूंढते हुए घूम रहे हैं। घर चलिए, वहां भौजी माता जी के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ मेधा, मेरे घर में मां के साथ? आपसे इतना ज्यादा मोहब्बत करने के बाद आपको छोड़ पाना कछु हलवा है का? अरे आप तो यारों का यार हो मेरे भाई, आपसे मुक्ति इतना जल्दी संभव नहीं है। चलिए। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता, मैं मेधा का सामना करने की हिम्मत नहीं मुझ में। भैया हाँ चलिए। नहीं देखो त्यागी, नहीं त्यागी मैं घर नहीं जा, त्यागी हम कह रहे हैं आप चलिए। त्यागी प्लीज समझिए कि ताकि तुम चलिए।